हाई स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो IBPS PO मेगा प्रिपरेशन सीरीज में आज आई थिंक 15वां दिन है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करने वाले हैं। मैं आपको बेसिक से क्वेश्चंस करवाऊंगा, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो आज ये चैप्टर शुरू करते हैं इस सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर्स। आगे एक दो और मैं आपको सेशन में डाउट क्लियरिंग सेशन करूंगा और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। शुरू करने से पहले मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं। तो शुरू करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस का मेन फंड आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको टर्म्स कुछ एक पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कुछ टर्म्स हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है पहले देखिए। मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो पेन बेचता है, वो मान लीजिए कोई रोलर पेन या कोई अच्छा पार्कर का कोई भी अच्छा सा पेन लेकर आया, 100 रुपये का पेन लेकर आया और उसने आपको 150 का बेच दिया। तो 100 रुपये जो है वो उसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ₹100 जो है इसका कॉस्ट प्राइस है। अगर आपको 150 रुपये में उसने बेचा है तो ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट क्या होगा उसका, मुनाफा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 150 माइनस 100, 50 रुपये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, प्रॉफिट या लॉस जितना भी है, प्रॉफिट या लॉस जितना भी निकला है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यहां पे कितनी आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाय, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है तो आ जाएगी आपकी 50%। सिंपल, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर ये लॉस का केस होता तो सिंपली क्या होता, यहाँ पे अगर माइनस नहीं पकड़ते, अगर मान लीजिए कि सेल जो है 50 की जगह पे 50 150 की जगह पे 50 रुपये में कर दिया है तो 50 रुपये का लॉस हो जाता। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला होता, 50% प्रॉफिट की जगह पे 50% लॉस निकल आता। सिंपल फंडा है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको दो चार टर्म्स हैं, एक होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस कह देते हैं या लिस्ट प्राइस कह देते हैं। आप कभी भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, किसी मेडिसिन की शॉप पे जाते हैं या कोई आप किसी राशन की दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं, तो मान लीजिए कि अगर आप कोई सामान है जो आपका कोई मेडिसिन है उसका लिस्ट प्राइस उस पर लिखा हुआ है 100 रुपये, उसका लिस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन उसको जो कॉस्ट पड़ रही है, उसको अगर 60 रुपये कॉस्ट पड़ रही है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है मेडिसिन वाले की उसकी 60 रुपये है, और वो चाहता है कि वो 40 रुपये मुनाफा ना कमाए, क्योंकि अगर ये 60 रुपये की चीज़ 100 में बेचेगा और साथ वाली दुकान खुल जाएगी और वो 80 में देने लग गया तो भाई इसकी तो दुकान बंद है ना। तो फिर ये बंदा क्या करेगा यार, ये सीधा 80 रुपये में बेचेगा कि मुझे 20 रुपये मार्जिन चाहिए, 10 रुपये चाहिए। तो मान लीजिए अगर ये 80 में बेचता है तो लिस्ट प्राइस से इसने 20 रुपये का आपको डिस्काउंट दे दिया। ओके, लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, इसमें से कुछ डिस्काउंट गया तो वो सेलिंग प्राइस बनता है, और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस होता है अगर प्रॉफिट का केस है तो। तो बेसिक फंडा है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाला है, मार्क प्राइस है, लिस्ट प्राइस है। तो ये बेसिक सा फंडा पहले आपको समझना जरूरी है, तो उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई सोल्ड 2 हेंस, मेरे पास 2 हेंस हैं, 2 मुर्गियां, 105 रुपये की मैंने बेच दी, ठीक है, 105 रुपये की मैंने 2 हेंस बेच दी। ऑन वन आई लॉस्ट 25%, एक पे मैंने 25% मुझे घाटा हो गया और दूसरे पे मुझे 50% का मुनाफा हो गया, तो मेरी टोटल आउटले कितनी है, टोटल पे मुझे फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। 2 मुर्गियां हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, वेट अलग अलग है, तो इन दोनों का कॉस्ट अलग अलग है, लेकिन बेची 105 रुपये की है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमें जो पहली एक कह लीजिए हेन है, हेन वन है, उसको एक्स ले लेते हैं, हेन जो वन है एक्स मान लिया,
और जो हैंड टू है इसको वाई पकड़ लें, ठीक है। अभी इस पे इसने 25% लॉस बुक किया है, 25% इसने लॉस बुक कर लिया, ये कॉस्ट प्राइस है तो लॉस बुक किया है तो 75/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, जो गेन होगा वहाँ पे 150/100, ये कैसे हुआ? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एक्स तो जी हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, अभी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ अपने को, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए दिया हुआ है और इसमें से 25% का लॉस हो गया। 100 रुपये की आपकी चीज़ है, आप मान लीजिए कि आपने कुछ 100 रुपये में आपने कुछ ख़रीदा है और आप कहते हो कि जी मेरे को तो 25% का नुकसान हो गया इसको बेचने में, तो मतलब आपने वो चीज़ 75 रुपये में बेची है। अगर आपने ये चीज़ 75 रुपये में बेची है तो आपको 25 रुपये का नुकसान हुआ है, तो ये दिमाग में लेकर चलिए, 100 रुपये की चीज़ है आपकी और 25% का आपको नुकसान हो गया, तो आप 75 रुपये की चीज़ बेच के आए हो। 100 रुपये की चीज़ है आपकी और आपने 150 रुपये में बेच दी है, तो आपको 50 रुपये का मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये अपनी माइंड में चलाइए। बिल्कुल इज इक्वल टू 105, दोनों जगह पे 105 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दोनों को इधर ले जाएंगे, ये 75 मल्टीप्लाई इसको इधर ले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएगा 100, 75 नीचे आ जाएगा, काटिए इसको 4 और 3 आ जाएगा, और 3 फिर से इसके साथ कटेगा, 3 × 3 = 9 जो 15 70 × 140। जो पहली मुर्गी थी वो थी 140 रुपये की और बिकी थी 105 की, और दूसरी जो थी 100, इसको भी इधर ले जाइए, 100 ऊपर आ जाएगा, 150 आ जाएगा नीचे, ये 50 से कटेंगे 2 3, और 3 भी इसको काट देगा, 3 × 3 = 9, 1 × 5 = 3 = 15। और ये 70 रुपये की एक मुर्गी थी, 140 रुपये की दूसरी मुर्गी थी, और दोनों बिकी हैं 105 रुपये में। अभी इसको प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, 200 आप कह लीजिए, 140 + 70 कर लीजिए कितना हुआ, 210 रुपये, ये इसका सेलिंग प्राइस है। खरीदी कितने में थी, 105 की एक, मतलब बेची थी 105 की एक, ये इसका था कॉस्ट प्राइस, और खरीद थी इसकी 105 की, मतलब बेची थी 105 की दो, 210 रुपये की इसने बेच दी है और 210 की इसने खरीद ली है, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस हुआ नहीं है, तो निल है जी, इसका आंसर आ गया निल, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, निल आंसर। बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग में कैलकुलेशन लेकर चलिए कि 100 रुपये की चीज़ अगर आप 75 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको 25% का नुकसान हुआ है, 100 रुपये की चीज़ आप 150 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको 50% का मुनाफा हुआ है। तो ये बेसिक सा फंडा दिमाग में लेकर चलें, 100 रुपये को बेस मान लें। आई बॉट एग्स एट द रेट ऑफ ₹5 for 7, 5 अंडे खरीदे हैं 7 रुपये के, 7 रुपये के 5 अंडे खरीदे हैं और बेचे हैं, 7 अंडे बेचे हैं 10 रुपये के, और 2450 रुपये इसने बना लिए ये एक एक अंडे बेच के। तो पहले सिंपली क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस देख लीजिए इसका, पर अंडे का कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, इसको ये बेसिक सा आपने फंडे जो हैं हर एक क्वेश्चन में आपको एक लॉजिक सा लगाना पड़ेगा, बहुत सिंपल, जैसे आप मोल भाव करते हैं, कुछ भी खरीदते बेचते हैं, जैसे वो चीज़ें आप करते हैं वो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसकी खरीद क्या थी, 7 रुपये में 5 अंडे, एक अंडा कितने का, ओके, तो पर एग का कॉस्ट ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए सिमिलरली, 10 रुपये में 7 अंडे पर एग, प्रॉफिट कितना आ गया, 10/7 पर अंडे का, एक एक अंडे का निकालेंगे, 10/7 - 7/5, तो निकालिए एलसीएम, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, 50 और 49। एक चीज ध्यान से रखिए, एक अंडे में से ये 1 रुपये का 35वां हिस्सा बचाता है, ये इसकी पर अंडे में से बचत है, पर अंडे में से, और इसने टोटल 2450 रुपये कमा लिए हैं, तो इसने कितने अंडे बेचे होंगे, मतलब एक अंडा बेचने में
1 रुपए का 35 पैसा 1/35 रुपीज पर एग कमाता है और इसने एंड में 2450 रुपए कमा लिए हैं। तो इसका जो कितने अंडे इसने बेचे हैं, एग सोल्ड कितने अंडे इसने बेचे होंगे, तो सिंपली क्या है 2450 को मल्टीप्लाई कीजिए 35 से, तो अपना आंसर आ जाएगा 5 2450 85 750। इतने अंडे इसने बेचे हैं, 85,750 अंडे बेचने के बाद इसे 2450 रुपए की कमाई हुई है। अभी यहाँ पे आपको मैंने अप्रोक्सीमेशन का चैप्टर करवाया था, उसे थोड़ा सा ध्यान से लेकर चलिए। इसको मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, 2450 को करने के लिए 245 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए माइंड में, ठीक है, उसके बाद 2450 का हाफ कर दीजिए और सभी को ऐड कर दीजिए। तो ये माइंड में भी कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं, तो इतना सा कैलकुलेशन तो बनता है एक मार्क के लिए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर आप कर पाएं, मुझे करने के लिए 2-3 मिनट लग रहे हैं क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अ शॉप्स प्राइसेस आर 25% अबव कॉस्ट प्राइस बट इट अलाउज इट्स कस्टमर्स 12% डिस्काउंट ऑन द अमाउंट्स ऑफ देयर बिल्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अभी जी मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस जो है, पहले तो जी 100 रुपये पे ये क्या करता है 125/100, 25% तो इसने अपना सेलिंग प्राइस ऊपर रखा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है कि 12% का ये डिस्काउंट दे देता है, 88/100 कर दिया, 12% का डिस्काउंट दे दिया। अभी ये चीज़ को आप सॉल्व कीजिए, ये चीज़ सॉल्व करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस जितना भी है वो आपका सारा निकल के आ जाएगा। तो सिंपली करने के लिए 25 से ये डिवाइड हो रहा है, 5 4 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 तो 5 से ये निकल जाएगा 20 22/20, तो रह जाएगा 11/10। तो 11 जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अगर x पकड़ लें या 100 पकड़ लें, अगर x है तो सेलिंग प्राइस हमारा 11/10 है, 11/10 है तो आपका प्रॉफिट जो है वो कितना आएगा, 11/10 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपका 1/10 आएगा, 1/10 कितना होता है 10%, तो 10% आपका आंसर है। वैसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप ना करें तो आप यहां पे 11/10 देख के ही आपका आंसर निकल जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सुधीरा सोल्ड अ वॉच एट अ प्राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट पे उसने अपनी घड़ी बेची है। हैड शी बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट एट 30 रुपीज लेस, शी वुड स्टिल हैव गेन्ड 20%। ये ध्यान से देखने वाली बात है। इसने किसी कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस को एक्स पकड़ लें यहां पे, ये चीज को अभी ध्यान से देखें कि पहले ये एक वैल्यू को ध्यान से पकड़ लें, पहले इफ वाली चीजें हम पहले करते हैं, बाद में जो इसने कर लिया सो कर लिया, इफ वाली चीजें देखते हैं कि 1.2x कॉस्ट प्राइस था x, सेलिंग प्राइस था 1.2x। आप इसको ऐसे भी लेकर चल सकते हैं 120/100x, मैं सीधा 1.2x लेकर चल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर लें। 1.2x इसको प्रॉफिट होता अगर ये 30 रुपये कम पे बेचती, ये सेलिंग प्राइस है, ये आप कह लीजिए सेलिंग प्राइस है, एक्सपेक्ट ये टू बी सेलिंग प्राइस अगर होता तो। कॉस्ट प्राइस है इफ शी हैड बॉट इट एट 10% लेस, 10% लेस मतलब 0.9%, 0.9x, 90% पे ये खरीदती तो फिर भी इसको 20% का प्रॉफिट मिलता। प्रॉफिट परसेंटेज का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट आ गया। इसको डिवाइड करना है कॉस्ट से, सबसे पहले मैंने यही सिखाया था आपको, कॉस्ट जो है हमारा ये 0.09x। अगर फॉर्मूला आपको याद हो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था, ये देखिए ये जो मैंने आपको करवाया था, इसका कोई पर्पस था इसीलिए करवाया था, तो ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे।
आपने छोटी छोटी क्लासेस में 9th 10th 8th में ज़रूर ही ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे, तो उसमें तो टाइम बहुत मिलता था, लेकिन यहाँ पे टाइम इतना नहीं मिलेगा। अब ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो चुका है, सीधा आप कह लीजिए इसको माइनस कर दीजिए 0.3x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 0.9x इज इक्वल टू 20/100, इसको चाहे काट दीजिए कोई बात नहीं, आगे ले जाइए इसको ऊपर, कितना आ गया 1.5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0.9x। अभी इसको इधर ले जाइए, माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस होगा तो माइनस 0.6x, अभी माइनस तो निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाय 10 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा। अभी कीजिए इसको, अभी 6 से चले जाएगा ये, तो इसका देखिए आंसर अपना निकल जाता है कॉस्ट प्राइस 250 रुपये, 250 रुपये अपना आंसर आ गया, 250 रुपये आंसर आ गया। इसको ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखें तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं है, सेलिंग ये इन्होंने सोचा है, अगर ऐसा होता तो अगर 20% प्रॉफिट होता तो 30 रुपये कम में बेच के भी इसको 20% का प्रॉफिट हो जाता, 20% इसका प्रॉफिट परसेंटेज होता, 0.9x ये इसका कॉस्ट, ये होता वाला है ना, जो ऐसे होता जितना होता वही आप उठा के यहाँ पे अपने वही सब यहाँ पे अपनी जो स्टेटमेंट है वही ले आए हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का वैसे सिंपल सा फॉर्मूला उसको इम्प्लीमेंट करा है। कहने को बहुत आसान है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस गलत करके आते हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चंस, तो आपने गलत नहीं करना है, अगर आपने ये सेशन को देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ गलत पेपर में गलत करके ना आइए। सुरुचि, अगर आपको डाउट है ना किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे मेल करिए या मुझे कॉमेंट में लिखिए तो मैं दोबारा समझाऊँगा। सुरुचि सोल्ड 2 pens एट ₹20 each फॉर हर कॉमन लॉस और परसेंटेज ऑन पेन शी गेन्स 10% ऑन अदर शी सफर्स 10% लॉस। दो पेन है, इसने 20-20 रुपये में बेचे हैं, एक में 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, एक में 10 रुपये का लॉस हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत बहुत रिपीट होता है, जगह जगह हर एग्जाम में रिपीट होता है। देखने को बंदा कहता है 10% का एक में प्रॉफिट हुआ, एक में 10% का लॉस हुआ है, तो जी जीरो करके टिका जाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात, अगर मान लीजिए 20 रुपये में बेचा है, अगर आप 100 रुपये की चीज है, ठीक है, 10% प्रॉफिट पे अगर आपने कुछ बेचा है, मतलब 90% अगर 90 का कॉस्ट है, 10% प्रॉफिट पे अगर बेचा है तो हो जाएगा 99, 9 रुपये, राइट। अगर ये होता कह लीजिए लॉस वाला केस, 110 का 10% 11 रुपये होता है, 90 का 10% 9 रुपये होता है, ये समझिए बात को, 110 का 10% 11 रुपये होता है, 90 का 10% 9 रुपये होता है, इस फंडे को समझिए बस। अभी इसका वैसे करने का एक लोग फॉर्मूलाज बताते हैं, एक मैजिक ट्रिक होती है, लेकिन मैजिक ट्रिक्स वगैरह को मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 5-6 फार्मूले अपनी कॉपी में लिखें फिर उसको रट्टा मारें, नहीं हम वो नहीं करेंगे, हम लॉजिक से काम करेंगे क्योंकि पेपर में लॉजिक ही काम आता है। सुरुचि ने 20 रुपये का इसका जो कह लीजिए पेन इसने बेचे हैं, जो पहला पेन है उसका कॉस्ट प्राइस आप एक्स पकड़ लीजिए, ठीक है, इस पे इसने 10% जो है वो गेन कमाया और इसको बेचा इसने 20 रुपये पे। दूसरा पेन जो है उसको मैंने वाई ले लिया है, इसको इसने 10% लॉस में बेचा है और ये भी बेचा 20 रुपये में। अभी एक्स और वाई आपने निकालने हैं, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि एंड में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 100 ऊपर 110 नीचे, 100 ऊपर 90 नीचे। अभी आप देखिए 200 डिवाइडेड बाय 11 और 200 डिवाइडेड बाय 9, थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है, 11 by 11 9 से चले गया, तो सिंपल कोशिश कीजिए अपने लेवल पे, 1 8 1 ऐसे ही जाएगा, 1 8 1 8
9 × 18 = 20। चलिए ये इसके कॉस्ट प्राइस हैं। जो पहला पेन है वो 18 रुपये 18 पैसे का था, दूसरा पेन 22 रुपये 22 पैसे का था। तो इसकी टोटल जो परचेज होगी है, जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस 40 रुपये 40 पैसे है, जबकि इसने 20 रुपये में बेचे हैं। तो इसका सेलिंग प्राइस जो है 20 × 20 × 2 = 40 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है, जबकि इसकी खरीद है 40 रुपये 40 पैसे की। मतलब इसने 40 पैसे का नुकसान इसका हो चुका है। वही अपना जो फॉर्मूला होता है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, 40 पैसे का लॉस है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपका देख लीजिए कितना आ जाएगा। जीरो को ये पॉइंट निकाल देते हैं, इसको भी नीचे 100 आ जाएगा। तो इसका देख लीजिए 1 आ गया, 1% इसको लॉस हुआ है। समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा लॉजिक यूज कीजिए, अलग अलग फॉर्मूले याद मत कीजिए ये बुक से वो बुक से, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ज्यादा फॉर्मूले याद मत कीजिए, लॉजिक को समझिए। अ डिसऑनेस्ट रिटेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट इक्वल्स टू 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। वाह जी वाह। एक रिटेलर है, चाय बेचने वाला है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वो क्या करता है, 100 रुपये की चाहे चाय खरीदी है उसने, वो 96 की बेच रहा है। कैसे बेच रहा है, क्योंकि 1 किलो दे ही नहीं रहा है, वो दे ही 900 ग्राम रहा है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है डिसऑनेस्टी की। तो इसका सिंपली अगर इसका लॉस परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे आप, सीधा सीधा देखिए कि 1 किलो को तो भूल ही जाइए ना, 1 किलो तो आपका बेस रहा ही नहीं, अब आपका बेस हो चुका है 900 ग्राम, राइट। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो इसका है 960 ग्राम जो है इसके हिसाब से बेच रहा है 960। आप कह लीजिए 100 का बेस लेकर अगर आप चलते हैं, परसेंटेज निकालना है, रुपीस वुपीस को आप छोड़िए यहाँ पे, 96 रुपये इसका कॉस्ट है, जबकि ये बचाता कितना है, ये चीज समझने वाली है, ये बचाता कितना है। दे तो ये 900 ग्राम रहा है, बोल 960 ग्राम बोल के 960, ये बोलता है कि मैं 960 ग्राम का पैसा लेके, देखिए 1000 ग्राम का इसने पैसा नहीं लिया, इसने पैसा लिया है 960 ग्राम का, लेकिन इसने जो सामान है वो दिया है 900 ग्राम। समझ रहे हैं, 1000 ग्राम बोल के, राइट, 1000 ग्राम का जो है एक किलो में जितना होता है, क्या कहते हैं चाय, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, उसमें इसने 960 ग्राम का पैसा लिया है, 960 ग्राम का पैसा लेके इसने 900 ग्राम चाय दी है, चाय की पत्ती दी है, तो बचा कितना लिया इसने, 960 ग्राम बोल के इसने 960 ग्राम का पैसा लेके, 960 ग्राम नहीं, इसने बोला 1 किलो ही है, लेकिन इसने पैसा लिया 960 ग्राम का, 960 ग्राम का पैसा बोल के इसने 900 ग्राम चाय पत्ती दी है, मतलब इसने 60 ग्राम जो है ये इसका प्रॉफिट है, ये 60 ग्राम ये बचा गया यहाँ पे। अभी ये सिंपली रेशियो अगर निकालनी हो, 60 ग्राम जो इसका प्रॉफिट है, ये इसका प्रॉफिट है ये देखिए, और इसका कॉस्ट जो था 960 ग्राम उसको डिवाइड कर दीजिए, बस सिंपल कितना आ जाएगा, परसेंटेज निकाल लीजिए इसकी सिंपली। ये तो सीधा सीधा चले गया, 6 / 96, ये तो डिवाइड हो रहा है 16, 1/16 या 6^1/6%, ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज है, सिंपल। अगला क्वेश्चन करते हैं। आई सोल्ड अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, 12% पे मैंने ये बुक एक बेची है। ये पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आई सोल्ड अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, हैड आई सोल्ड इट For 18 more rupees, I would have made 18% profit percent. Amount नहीं दी, 12% मैंने कमाया है। अगर मैंने 18 रुपये ज़्यादा इसको 18 रुपये महंगा बेचा होता तो मुझे 18% का profit होता। Simple question है, video pause करके खुद solve करने की कोशिश कीजिए एक बार, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो मैं आपके लिए कर देता हूँ, आपको 60-70 क्वेश्चन दे दूंगा, आप वो करें आराम से। अगर ये देखिए सिंपल कॉस्ट को यहां पे सीधा ये पकड़ के चलिए, कॉस्ट को मैं एक्स सीधा ही पहले ही पकड़ के चलता हूं, कॉस्ट प्राइस को मैंने एक्स मान लिया हुआ है,
और अभी फिलहाल मेरा 12% का प्रॉफिट है, इसको 1.12% 12x जो है ये मेरा फिलहाल सेलिंग प्राइस है। अगर मैं इसको 18 रुपये ज़्यादा में बेचता, 1.12x प्लस 18, 18 रुपये ज़्यादा में बेचता तो मुझे प्रॉफिट होता जी 18% का। समझ रहे हैं, ये आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप इधर ले जाइए, 18 = 0.06x, एक्स को आप उधर ले जाइए, क्या कहते हैं इधर ले जाइए, 18 × 100 आ जाएगा जी ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे, 6 × 18 और आ गया जी 300 हमारा आंसर आ गया। सो जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 रुपये है। बहुत सिंपल है, ऐसे पेपर में वैसे नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। क्वेश्चंस आप ये समझ के ना छोड़ें कि बहुत आसान है, ये मेरे लेवल के नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, NICL वगैरह के पेपरों में आता रहता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता होता है कई बार, ध्यान से देखिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 18 आर्टिकल्स। मैं जब भी किसी को प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करवाता हूँ ये क्वेश्चन मैं ज़रूर करवाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, कॉस्ट प्राइस पहले तो आप ऑफ 24 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 18 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस आप एक्स मान लें। 24 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 18 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, समझ रहे हैं आप? कॉस्ट प्राइस 24 आर्टिकल्स का 18 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आप रेशियो निकाल सकते हैं क्या कि सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट के रिलेटिवली 24/18 है? सिंपल, तो आपका कॉस्ट परसेंटेज कितना होगा, सेलिंग प्राइस 24/18 एक्स माइनस एक्स, तो ये निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे x को बाहर पर रखिए, 24 - 18 तो 6/18 आपका होगा, तो 1/3 हो गया। सो 33.33% जो है आपका, ये आपका प्रॉफिट है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई बार पेपर में आ जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप अपने डाउट्स और फीडबैक जो है मुझे भेजते रहिए, raman@ अगली क्लास में जो अगला सेशन है वो डाउट क्लियरिंग का ही लगाऊंगा। ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे आप अपने डाउट्स ज़रूर भेजें ताकि मैं उन डाउट्स को सॉल्व करके आपको सिखा सकूं। जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लें अगर आप अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं मेंस लेवल के एग्ज़ाम के लिए। और जो स्टडी प्लान है प्रॉपर, क्या कहते हैं, अगले हफ्ते का स्टडी प्लान जो है वो अगले 3 दिन में मोस्ट प्रॉब्ली आप कह लीजिए मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एंड IBPS का PU का मेगा प्रिपरेशन कोर्स जो है, IBPS PU मेगा प्रेप कोर्स जो है, मेगा प्रेप कोर्स, इसको आप ज़रूर इसमें इनरोल करिए। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, डेली क्विजेज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे और बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे क्या कहते हैं मेल कर दीजिए, ठीक है? तो कल मैंने वीडियो डाली थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए माफ़ी मैं ऑलरेडी मांग चुका हूँ। तो आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा कि मैं अपने कोई भी आपको सेशन मैं जो करता हूँ उसके बारे में मैं अच्छे से रिसर्च करूँ, मेहनत करूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। धन्यवाद।